एसएससी पार्ट टू क्लास मैट्रिक इंग्लिश का लेसन नंबर वन। किसी भी पोइट्री की बात करते तो हमें पहले सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए ना कि वो पोइट्री आखिर कंपोज किसने की है, लिखी किसने है, किसकी क्रिएशन है। लिखने वाला तो कोई होगा। तो उसको शुरू करने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि अबाउट द पोएट। ये देख रहे हैं, पोएट का नाम है इस पोइट्री के, यानी द वॉइस ऑफ गॉड, लुईस आई न्यूमैन। नाम भी आपने सुना होगा। आई का क्या मतलब है? मेरे ख्याल से आई का बहुत कम लोगों को पता होगा। आई का मतलब है, ये सब शॉर्ट फॉर्म लिखी है इनके नाम के, लुईस आई यानी लुईस इसराइल न्यूमैन। ऑब्वियसली इसके नाम से हमें आइडिया हो रहा है कि वो एक क्रिश्चियन थे। ठीक है, ही वॉज बॉर्न इन 1893। ठीक है, कब पैदा हुए? 1893 में वो पैदा हुए और 1972 में वो उनकी डेथ हो गई। ये अरसा था जिसमें जो उनकी लाइफ का एक प्रॉपर टाइम था। ही वॉज एन अमेरिकन पोएट एंड ही वॉज अ लेक्चरर। आपसे क्यों डिस्कस करें? बिकॉज इट विल हेल्प यू इन MCQs एंड इन क्वेश्चन आंसर्स बोथ। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपके पास MCQs में भी हेल्पफुल होंगे और क्वेश्चन आंसर्स में भी। क्या था, क्यों लिखना चाह रहे थे, आखिर उनकी बात क्या थी, इस पोइट्री में उनका मकसद क्या था? देखिए, बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जो हम जाहिर सी बात है अल्लाह को खुदा को देख तो नहीं सकते, लेकिन क्या हमारे दिलों में, कुछ लोगों के दिलों में अभी भी होता है खुदा क्या है, खुदा क्या। I sought to hear the voice of God and climbed the topmost steeple. But God declared, go down again, I dwell among the people, sought, seek करना, ठीक है, यानी तलाश करना, किसी चीज को तलाश करना, it's a past tense, ठीक है, I sought to hear the voice of God. मुझे, मैंने सोचा मुझे कि मैं खुदा की आवाज़ सुनूं। कौन कह रहा है ये? लुईस आई न्यूमैन। क्या ख्वाहिश थी उनकी? उनकी ख्वाहिश थी कि वो किसी भी तरीके से खुदा की आवाज़ सुने। आई सॉट यानी सीख, हेयर सुनना, क्या सुनना चाह रहे थे? वॉइस ऑफ गॉड यानी खुदा की आवाज़। एंड क्लाइम द टॉप मोस्ट स्टीपल, टॉप मोस्ट स्टीपल, टॉप मोस्ट मतलब हाईएस्ट, ऊंचा। तो ये इस वक्त जो टॉप मोस्ट स्टीपल की बात कर रहे हैं, यानी कोई ऐसी बिल्डिंग लाइक चर्च, ठीक है, मजहबी इस टाइप की जो बिल्डिंग होती है, उसमें उन्होंने सोचा कि मैं उसके किसी ऊंचे मीनार की तरफ जाऊं, मीनार पे चढ़ूं और वहां से जाके मैं खुदा की आवाज सुनूं। बट गॉड डिक्लेयर, खुदा ने कहा, क्या कहा? गो डाउन अगेन, वापस नीचे जाओ। क्यों जाओ? क्यों? आई ड्वेल अमंग द पीपल, ड्वेल मैं तो लोगों के दरमियान रहता हूँ। अ बिग मैसेज फॉर ऑल ऑफ अस। बिग मैसेज क्यों है हमारे लिए? खुदा की आवाज आई, खुदा ने कहा नीचे जाओ। आई ड्वेल अमंग द पीपल, बार बार मैं इसी सेंटेंस को क्यों रिपीट कर रही हूँ? अब क्योंकि मैंने बताया आपको कि इट्स अ बिग मैसेज फॉर ऑल ऑफ अस। डिक्लेयर किया, ठीक है, क्या? मैं तो लोगों के दरमियान, कहां से ढूंढेंगे हम लोगों के दरमियान? कैसे ढूंढेंगे हम खुदा को? किस तरीके से ढूंढेंगे हम खुदा को लोगों के दरमियान? सोचा है कभी? अल्लाह ताला की नजर में सबसे बेहतरीन चीज जिसको अल्लाह बहुत पसंद करता है वो है मैनकाइंड, इंसान। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो मेरे बंदों का ख्याल करेगा मैं उसका ख्याल करूंगा, जो मेरे बंदों को खुश करेगा मैं उससे राजी रहूंगा। कितनी बड़ी बात है। किस तरह तलाश कर रहे हैं हम? हम लोगों के साथ अच्छे अमाल, बाय डूइंग गुड डीड्स, अच्छे अमाल। वी हैव टू बी पेशेंट, सुकून से बहुत तहम्मुल के साथ अमन व अमान के साथ हम लोगों के साथ रहे। We have to be friendly, दोस्तों की तरह रहें। अगर वो मुश्किल में है तो उनकी मुश्किलों को आसान करें, ना कि हम मुश्किल पैदा करें।
हम जैसे ही अल्लाह ताला के बनाए हुए लोगों को, क्योंकि मैंने आपको फिर बताया कि अल्लाह ताला अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करता है, और अल्लाह को राज़ी करने का जो बेहतरीन तरीका है वो है ही ये कि अगर हम अल्लाह के बंदों को खुश रखेंगे तो अल्लाह ताला हमसे भी खुश होगा और राज़ी होगा। इसी तरीके से अगर हम हर शख्स को, हम हर बंदा अपने अपने तरीके से लोगों का ख्याल करेगा, वी हैव टू सर्व मैनकाइंड एंड टेक केयर ऑफ पीपल, तो ऑब्वियसली अगर हम लोगों का ख्याल करेंगे, अच्छे अमाल करेंगे, तो इस तरीके से हम अल्लाह ताला को राजी कर लेंगे तो अल्लाह ताला की मोहब्बत मिल जाएगी, और इस तरीके से हम अपने लिए दुनिया और आखिरत दोनों ही सवार देंगे। ठीक है, फिर दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ। पोएट का लूस आई न्यू मैन, आई मीन्स इसराइल, कभी कोई पूछे तो बोलेगा आई मीन्स इसराइल। He was born in 1893 and died in 1972. He was an American poet and lecturer. ठीक है, poem इनकी सिर्फ 4 lines पे based थी, लेकिन message उसका central idea बहुत important था। वह तो वाइस कैलिफ, कौन थे वाइस कैलिफ? चलिए शुरू करते हैं। कैलिफ किसे कहते हैं? सबसे पहले तो ये बताइए, कैलिफ कहते हैं खलीफा को। पहले के दौर में खलीफा हुआ करते थे। इस टॉपिक में खलीफा को, इस खलीफा की बात हो रही है, कैलिफ हारून रशीद, नाम सुना होगा आपने। कैलिफ हारून रशीद जो थे वो बहुत ज्यादा पसंदीदा खलीफा रहे हैं। क्यों? अपने जस्टिस की वजह से लोग उन्हें बहुत पसंद करते थे, बहुत ज्यादा ईमानदार फेथफुल थे। आपको पता है जो गरीब लोग थे ना, वो उनको कहा करते थे कि आप जो हैं वो तो गार्जियन हैं, यानी हमारे क्या है, गार्जियन ऑफ पुअर है। इसका मतलब हुआ कि वो लोग, गरीब लोग जो थे ना, वो कहते थे आप हमारे सरपरस्त हैं। इतना मान था उस खलीफा के ऊपर लोगों को। खलीफा के पास प्रॉब्लम्स आती थी, कब? जब बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो और उसका हल ना हो, तो वहाँ के जो काजी हुआ करते थे वो जब अपना कोई फैसला नहीं सुना पाते थे तो वो फिर आ जाते थे कैलिफ हारून रशीद के पास कि आप इसका हल निकालें। खलीफा, हमें इसका अंदाजा नहीं है कि किस तरीके से अब इस मसले का हल निकलेगा। एक और मेन क्वालिटी जो MCQs और क्वेश्चन में आ सकती है, मेन अ वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक, वो क्या है इसमें वो मैं बताती चलूँ आपको। कैलिफ हारून रशीद की क्वालिटी थी कि वो रात के आधे पहर अपने आप को, अपना हुलिया, डिस्गाइज्ड, हम कहते हैं डिस्गाइज्ड यानी अपना भेस बदलना, हुलिया बदल के वो बगदाद की गलियों में निकल जाया करते थे। बगदाद शहर का जिक्र है इस टॉपिक में, तो वो बगदाद की गलियों में रात के आधे पहर निकल जाते थे ताकि वहाँ के अपनी आवाम के जो मसाइल हैं उन्हें हुलिया बदल के सुना जाए। ऐसा तो नहीं कि उनकी आवाम उनका ख्याल कर रही और उन तक उनको परेशान नहीं करना चाह रही, ऐसे थे खलीफा, ताकि लोगों के मसाइल उन्हीं के बीच में जाके उनका हल निकाल सकें। इसके अलावा, इनके अलावा जो करेक्टर्स हैं इस टॉपिक में, सेकंड करेक्टर है एक काजी का, काजी हम जिसको इंग्लिश में मैजिस्ट्रेट भी कहते हैं। एक करेक्टर है एक रिच मैन का, वो रिच मैन कैसे पता लगता है? फिशमैन अपने हुलिये से, अमीर आदमी। और एक और करेक्टर है, जो चौथा करेक्टर है मेन, वो है एक बेगर का, पुअर बेगर। ठीक है, बेगर है तो ऑब्वियसली गरीब ही होगा। ठीक है, काजी के पास एक डिस्प्यूट आया, डिस्प्यूट यानी एक झगड़ा आया। डिस्प्यूट किस पे था? एक फाइन हॉर्स पे। वाह भाई, हॉर्स डिस्प्यूट आया भी किस पे? एक घोड़े के ऊपर। घोड़ा तो हीरो है भाई इस वक्त का। ठीक है, एक घोड़े पे डिस्प्यूट आता है, झगड़ा है हुआ आपस में, किसका? रिच मैन और इस बेगर का। काजी के पास हुआ अपने झगड़े को लेके, लेकिन भाई काजी के पास तो उसका हल ही नहीं था, कोई सोल्यूशन नहीं निकला। काजी जो है वो ये डिस्प्यूट लेके, ये प्रॉब्लम लेके पहुंचा कैलिफ हारून रशीद के पास। कहा, ए खलीफा, मुझसे ये मसला, ये झगड़ा, इसका कोई हल मेरे पास नहीं आ रहा, आप बताइए इसका हल, इंसाफ कीजिए और इन दोनों के झगड़े को
का मसले को हल कीजिए। फेथफुल, विजडम, दाना, अकलमंद खलीफा हारून रशीद। उन्होंने कहा ठीक है। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, इस अमीर आदमी को बुलाया। पूरा कोर्ट लगा है, अदालत है, अदालत नुमा जाहिर से वो खलीफा थे, अदालत लगती थी, अलग अलग तरह के बुजुर्ग होते थे साथ में। सबसे पहले बुलाया गया इस अमीर आदमी को, बड़ा अच्छा, अच्छे कपड़े पहना हुआ लग रहा, वेल मैनर्ड, कि वो रिच मैन है। और खलीफा ने पूछा, हाँ भाई बताओ अपना मसला हुआ क्या। रिच मैन ने बोलना शुरू किया। उसने कहा, ऐ खलीफा, मैं रास्ते से गुजर रहा था, अपने इस घोड़े पे सवार था, रास्ते में से गुजर रहा हूँ, क्या देखता हूँ कि ये बेगर, ये पुअर आदमी लंगड़ाता हुआ चल रहा है। इसने मेरे घोड़े की आवाज सुनी, आवाज सुनते के साथ मैंने अपना घोड़ा रोक लिया, इशारा किया, मैंने कहा बेचारा गरीब है, लंगड़ा के चल रहा है, सड़क खाली है, कैसे जाएगा। मैंने इससे पूछा मदद के लिए, क्या मसला है बताओ। इस बेगर ने कहा कि मुझे जाना है शहर तक, मुझे शहर के दरवाजे तक छोड़ दो। मैंने रहम खाया, इसको हेल्प की और अपने पीछे घोड़े पे सवार कर लिया। जैसे ही शहर का दरवाजा आया, मैं उतरा, मैंने कहा लंगड़ा है, हाथ दो और इसको हेल्प करके इसको उतार लो। जब मैंने कहा उतरो भाई, शहर का दरवाजा है ये, अचानक से इस बेगर ने कहा, कौन सा शहर का दरवाजा, मैं क्यों उतरूं, ये घोड़ा मेरा है। रिच मैन घबरा गया, उसने कहा भाई मैंने तो तुम्हारी हेल्प की और तुम मुझे कह रहे हो कि ये घोड़ा मेरा है। अचानक से जो है बेगर आएगा, ऐ खलीफा रुकिए, मैं आपको बताता हूँ, ये सब कुछ झूठ बोल रहा है, सच मैं आपको बताऊंगा। आप तो वैसे भी कौन है, आप तो गरीबों के सरपरस्त हैं, गार्जियन है हमारे, आप तो फैसला ऐसा गलत कर ही नहीं सकते, ये झूठ बोल रहा है। मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। खलीफा सुन रहे, चलो भाई बताओ, तुम बताओ, इंसाफ ऐसे नहीं हुआ, पूरा किस्सा सुना गया, ऐसे होते थे इंसाफ। हाँ भाई, बेगर को मौका मिला, बताओ। उसने कहा खलीफा, मैं जा रहा था रोड पे और जो है मैंने देखा कि ये इतने अच्छे कपड़ों में एक शख्स है, इसको रोड नहीं, अकेला है, कैसे जाएगा। मैंने ऐसे ही मदद के लिए पूछ लिया कि हाँ भाई कहाँ जाओगे, तो उसने कहा भाई मुझे शहर के दरवाजे तक छोड़ दो। मैंने हेल्प की, बिठा लिया। अब मैं जब शहर के दरवाजे तक इसको लेके पहुंचा, अब मैंने कहा भाई उतरो, तो कहता मैं क्यों उतरू, तुम उतरो, ये घोड़ा मेरा है। देखा भाई तुम्हारा घोड़ा कैसे हो गया, मैंने तो अपना सब कुछ बेच दिया खलीफा, इस घोड़े की खातिर मैंने अपना सब कुछ बेच दिया, मैं खाली हो गया, मेरे कपड़े देख ले बटे पुराने, क्या मेरा कोई हक नहीं है कि मैं अच्छा घोड़ा रख सकूं, क्योंकि मैं गरीब हूँ, एक फकीर हूँ। अजीब, उस वक्त कोर्ट में बड़ा अजीब सा सन्नाटा, बाकी बात तो वो भी गलत नहीं कर रहा था। आप कहने लगा बैगर कि इसने मुझे कहा कि तुम्हें, तुम उतरो, तुम ये रख ही नहीं सकते घोड़ा, तुम्हें देख के तो कोई यकीन भी नहीं करेगा, चलो ये घोड़ा मुझे दो। खलीफा ये बात सुनते रहे, खलीफा मुखातिब हुए काजी के साथ और कहा, काजी यानी मजिस्ट्रेट, ये तो कोई मसला ही नहीं है, ये तो फैसला 2 मिनट में हो जाएगा, फैसला तो समझो हो गया। कैसे हो गया भाई फैसला, तो हमने तो नहीं सुना अभी कोई फैसला, वहां के लोग बैठे हुए थे अदालत में, वो भी हैरान, पता तो था उन्हें, भरोसा तो था खलीफा के ऊपर कि वो कोई गलत फैसला नहीं करेंगे। खामोशी छा गई। अब हुआ कि भाई फैसला होने वाला है, कैसे, तो फिर बुलाया गया इस मेन हीरो को, कौन था, घोड़ा, घोड़े को लेकर आया गया, घोड़े की लगाम खींच के घोड़ा आ गया जनाब अदालत में। सबसे पहले खलीफा ने बुलाया इस बेगर को और कहा, जरा इसको टच करो। जाहिर सी बात है, तो हमें भी पता है कि अगर मेरे भी घर में या आपके भी घर में कोई जानवर है तो वो आपसे वैसे ही ऑटोमेटिकली बहुत मोहब्बत कर लेता है, जानवर से हमें मोहब्बत हो जाती है और जानवर को हमसे, वो अपने मालिक को पहचानता है। बैगर से को पहले बुलाया, कहा भाई हाथ लगाओ, जैसे ही बैगर ने उसके ऊपर हाथ लगाया घोड़े पे, घोड़े ने ऐसा एक्सप्रेशन दिया, जानवर है एक्सप्रेशन दे सकता है, ऐसा एक्सप्रेशन दिया जैसे कि उसको अच्छा नहीं लगा, बैड टच लगा उसको, अच्छा नहीं लगा। उसके बाद रिच मैन को बुलाया गया,
क्या भाई, जैसे उन्होंने उस फाइन हॉर्स को हाथ लगाया है उस अमीर आदमी ने, हॉर्स ने ऐसी जबरदस्त आवाज निकाली कि पूरे जो कोर्ट था उसमें लोगों को अंदाजा हो गया कि इसका मालिक, एक्चुअल मालिक कौन है। अंदाजा तो आपको भी हो गया होगा कि इसका असल मालिक कौन था। हो गया फैसला। खलीफा को देखिए कैसे मोहब्बत से, कैसे इंसाफ से, चुटकियों में सिर्फ उनके एक्शन से फैसला कर लिया, फैसला हो गया। अब खलीफा ने इस बैगर से कहा कि तुम माफी मांगो इस अमीर आदमी से, तुमने बहुत गलत किया, तुमने इसमें इल्जाम लगाया और झूठ भी बोला, मांगो माफी, सरेआम अदालत के सामने माफी मांगो। बैगर झूठा था, उसने फौरन से माफी मांगी। आप यकीन करें कि रिच मैन का भी बड़ा दिल था, उसने उसको माफ भी किया और साथ में था उस दौर में नोट नहीं हुआ करते, उस दौर में गोल्ड कॉइन्स यानी अशर्फियां हुआ करते थे। उस अमीर आदमी ने माफ भी किया और साथ में तोहफा भी दिया। क्या तोहफा दिया? वो गोल्ड कॉइन्स, वो गोल्ड कॉइन्स उसको दिए क्योंकि उसको पता था गरीब आदमी हो सकता है इसने झूठ अपनी गुर्बत की वजह से बोला हो। ऐसे भी लोग होते, ऐसे भी हैं, बगैर कोई सजा दिए उसे माफ भी कर दिया और उसे तोहफा भी दे दिया। और इस फैसले पे देखिए फैसला कितना प्यारा हुआ, काजी से नहीं हो रहा था लेकिन खलीफा ने कितनी मोहब्बत से, कितने इंसाफ से फैसला कर दिया। तमाम जो लोग वहाँ अदालत में बैठे थे वो इस फैसले से बहुत खुश हुए। इसका मकसद, इसका मैसेज यही है कि हमें भी अपनी ज़िंदगी में लोगों को माफ़ करना सीखना चाहिए। माफ़ कर दिया कीजिए, कोई बात नहीं, होता है, हो जाती है गलतियाँ, कभी हमसे कभी आपसे। One prize.